जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। स्वागत करता हूँ अपने सीरीज राजस्थान अध्ययन, जो क्लास 6, 7, 8 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम फेमिलाइज हो रहे हैं राजस्थान के सारे जीके, संपूर्ण जीके, जो बिगिनर है उनके लिए भी और जो पहले से ही तैयारी करे उनके रिविजन के लिए भी। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी जो क्लास 6, 7, 8 के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, वो भी इस क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम 6, 7 और 8 राजस्थान का अध्ययन आरबीसी बोर्ड, वहीं से मैं खुद पढ़ रहा हूँ और वहीं से आप लोगों को ये मैं क्लासे करवा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं, जो है अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र का हम एक फेमिलाइज होंगे, नॉर्मल अध्ययन करेंगे, इसके बाद में हम इसका डीपली जाएंगे जब हमारी 8 की क्लास की राजस्थान का सामान्य अध्ययन कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद में शुरू करते हैं अफवाह तंत्र। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र कहा जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह, यानी कि एक ये नदी है, मान लिया चंबल नदी है, इसके अंदर ये बनास नदी भी गिर गई, इसके बाद में ये इसके अंदर दूसरी नदी भी गिर गई, तीसरी नदी भी गिर गई, तो ये खुद एक नदी और इसके बाद में ये सारी नदियां मिलकर जो आगे एक नदी निकल रही है, एक नदी आगे निर्मित हो रही है, इसको क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल प्रवाह प्रणाली भी कहा जाता है या अफवाह तंत्र भी इसको कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, यानी कि इनके बीच में ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की जो उच्च भूमि है, जो ऊंचाई वाली जो भूमि है, ये ऊंचाई वाली जो भूमि है ये वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, यानी कि जो दो प्रवाह क्षेत्र है, इन दो प्रवाह क्षेत्रों के बीच में जो ऊंची भूमि है, जो उच्च भूमि है, ये वर्षा जल को विभिन्न ढलान के दिशा के अंदर, विभिन्न मार्गों के अंदर वितरित करके, प्रवाहित करके, विभक्त करके एक जल विभाजक रेखा निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा, जिसका ये निर्माण करती है विभक्त करके जल के प्रवाह को, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए इसके अंदर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है सहायक नदियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक नदियां। जैसे ये चंबल है, चंबल के अंदर गिरने वाली वो सारी नदियां इसकी क्या कहलाती है? सहायक नदियां, यानी कि इसको सहायता करने वाली नदियां, यानी कि इसके जल स्तर को बढ़ाने वाली नदियां, यानी कि इसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर वो विलीन होने वाली नदियां, ये सारी की सारी सहायक नदियां कहलाती है। इसके बाद में है राजस्थान का अफवाह तंत्र। ये तो पहले थे हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं हम राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पे बन जाएगा कि राजस्थान का अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। कौन सा? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, ये अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये सेम वही है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी कि सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र से मतलब है कि जितनी भी निकलने वाली राजस्थान के अंदर बहने वाली या राजस्थान से उत्पन्न होने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, चाहे वो स्वयं चल के गिरो, चाहे किसी की सहायक नदी बन के गिरो, वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को ये बता दूं मैं, चंबल में प्रवाहित होती है, ये चंबल नदी होगी। इसके बाद में इसके अंदर ये आ गई हमारे, सबसे पहले मिल गई बनास नदी, उसके बाद में मान लो ये मिल गई काली सिंध नदी, इसके बाद में ये पार्वती नदी मिल गई। ये जैसे नदियां मिलकर इस चंबल नदी को आगे ले जाती है, चंबल नदी आगे देख लो, ये जैसे यमुना नदी बह रही है, इस यमुना नदी में मिल गई, ये यमुना नदी इधर से गंगा नदी आ रही है तो इस गंगा नदी में मिल गई, और ये गंगा नदी आगे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो ये क्या हो गया? एक अफवाह तंत्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी तक जाने वाला जल जो राजस्थान की विभिन्न नदियों, जो राजस्थान से प्रवाहित होती है या राजस्थान से निकलने वाली सभी नदियां किसी न किसी नदी की सहायक नदी बनकर या डायरेक्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में अगर गिरती है तो वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। तथा यमुना नदी, गंगा नदी में, अन्य अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है,
यही जो मैंने अभी समझाया वही आप लोगों के सामने आता है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र। और सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी के अपवतंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल है। राजस्थान के अपवतंत्र के संदर्भ में अगर हम पता करें तो हमारे लिए कौन सी है, बनास, काली सिंध और पार्वती और चंबल नदी, ये बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र का भाग है। दूसरा है हमारा अरब सागर का अपवतंत्र। अरब सागर का अपवतंत्र अरावली पर्वत के से पश्चिम भाग में बहकर, यानी कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका पश्चिम भाग हो गया ये इधर वाला, इस पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवतंत्र कहते हैं। वही सेम जो सारी नदियां राजस्थान में बहकर या राजस्थान से अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर के अंदर गिर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अरब सागर का अपवतंत्र। और इसके अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल है आप लोग देख लीजिए, माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी इसका अपवतंत्र का भाग है अरब सागर का। और लूनी नदी के अंदर दो नदियां मिलती है, आकर कौन कौन सी नदियां मिलती है ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी पूछा। और हाँ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि डेली का एक शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं एक क्वेश्चन डेली का आपका जो हमने पढ़ा है इसी में से ही मैं पीछे चलता आ रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन रोज का पूछ रहा हूँ ताकि आप एनालिसिस खुद कर सके कि जो आपने पढ़ा उसको आपको याद रहा या नहीं रहा। तो आप जरूर वो वीडियो देखना, वो सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना। तो लूनी नदी के अंदर कौन सी दो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर कि कौन कौन सी नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी अजमेर के नागपाट से निकलती है और इसके अंदर वहां पर निकलकर दो नदियां मिलती है जो बालोतरा होते हुए बालोतरा तक मीठा उसके बाद में खारा होकर अरब सागर के अंदर पहुंचती है। अरब सागर के अंदर कच्छ के रण में ही है विलुप्त हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा आंतरिक अपवतंत्र। कौन सा है आंतरिक अपवतंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर इतर भाग में ही विलुप्त हो जाए, यानी कि ऐसी कौन सी नदियां, ऐसी जो नदियां जो निकलती तो है लेकिन वो किसी भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या किसी भी ऐसे जल क्षेत्र के अंदर या समुद्र तक जाकर उसके अंदर नहीं मिलती है और जमुनी भूभाग में चलते चलते ही वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या किसी झील में मिल जाती है या बीच में बनाई गई कोई ऐसी झील जिसके अंदर मिल जाती है उसे आंतरिक या भूमिगत अपवतंत्र वाली नदी कहते हैं या कहलाती है। राजस्थान में बहने वाली गगर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली, साबी और रूपारेल, मेडा आदि नदियां हैं वो आंतरिक अपवतंत्र के उदाहरण है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बाकी हम जब इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल आपको एक एक नदी के बारे में स्पष्ट क्लियर करवाते जाऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल आपको बता दूं, गगर नदी है जो गंगानगर हनुमानगढ़ वहां पर बहती है, बाणगंगा नदी जो जयपुर के पास की बैराट की पहाड़ियों से निकलकर और भरतपुर का जो गणपक्षी विहार है केवलादेव वहां पर है जो आर्द्रभूमि का निर्माण करती है, उसके बाद में कांतली नदी, साबी, ये सब है जो रूपारेल इनकी यही रूपारेल की जयपुर में निकलती है, सारी नदियां हैं इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तभी आप देख लीजिए कि कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक अपवतंत्र की भाग है या आंतरिक अपवतंत्र का निर्माण करती है, गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और बेडा, ये नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह का निर्माण करती है, आंतरिक अपवतंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख नदियां। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं नदियां ये भी हम बिल्कुल एक सस्तरी तौर पर एक फेमिलाइजेशन के तौर पर ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि इनसे क्या हो जाए, एक हम बोलते हैं ना गुल मिल जाए, हमें इसका पता चल जाए कि ऐसी भी कोई नदी होती है जिसका संक्षिप्त रूप के अंदर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तृत हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। राजस्थान की प्रमुख नदियां पहली है चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, आपको ध्यान रखना है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश में। ये राजस्थान की सबसे लंबी वे एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। इसके बाद में राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले के कहां से प्रवेश करती है, भैंसरोड़गढ़ से, कहां से करती है, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा से है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है।
जो अभी मैंने इसका अपवाद अंतर पहले आपको बताया सेम वही है, ये यमुना नदी में मिल जाती है, कहाँ कहाँ बहते हुए कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर जमुना नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ एक, कोटा दो, बूंदी तीन, सवाई माधोपुर चार, करौली पांच और धौलपुर छह, यानी कि छह जिलों के अंदर प्रवाहित होकर चंबल नदी अंत में उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास, बेड़ा, चकोठारी, काली सिंध और पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां है इसकी? चंबल नदी की, चंबल नदी की बनास, बेड़ा, चकोठारी, काली सिंध और पार्वती, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। बनास, बेड़ा, कोठारी, काली सिंध और पार्वती, ये जो नदियां हैं ये राजस्थान में चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इसके सहायक नदी के रूप में ये इसके अंदर मिल जाती है, फिर अंत में यमुना नदी में ये चंबल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमरौर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। कहां से निकलती है? राजसमंद जिले के खमरौर की पहाड़ियों से। ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में ये कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर है वहां पर, या उसके निकट चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक जिलों में बहते हुए इसके बाद में ये पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो एकमात्र वर्ष भर बहती है चंबल नदी। राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो पूर्ण राजस्थान में बहती है, यानी कि राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान के अंदर ही किसी नदी की सहायक नदी बन जाती है, किसी सहायक नदी में, किसी नदी में मिल जाती है, तो वो है बनास। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। किसकी? बनास नदी की। आप एग्जाम में पूछ लिए जाए बनास नदी की लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? मेराल, कोठारी, बेड़च, खारी और खारी। कौन कौन सी? मेराल, कोठारी, बेड़च और खारी, ये है जो बनास की सहायक नदियां हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए लूनी नदी। अभी हम कुछ ही नदियों की चर्चा करेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बाकी से हम फेमिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद में हम बाकी सारी नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जब हमारे राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, आप समझ रहे होंगे सामान्य अध्ययन से मतलब कि एक बार हम इससे रूबरू होने के लिए, इसके बाद में हम विस्तृत रूप से चर्चा आगे करेंगे। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। जो अभी मैंने आप लोगों को पूछा क्वेश्चन, वो आपका आंसर यहीं पे मैंने खुद ही दे दिया, लेकिन आपका खुद का एनालिसिस आपको जरूर करना है। वो शॉर्ट वीडियो वाली सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना जो मैं डेली का एक शाम को 8 बजे के लगभग डालता हूँ, आप लोग उसको जरूर देखना ताकि आपका एनालिसिस हो जाए। और वो मैं जो क्लास से पीछे करवा रहा हूँ यही से वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ। तो लोनी के अंदर लोनी नदी का अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट दो धाराएं, एक है सरस्वती और दूसरी सागरमती, इन दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का निर्माण होता है। और ये लूनी नदी फिर बाद में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये लूनी ये कच्छ की रन में मिल जाती है। कहां पर? कच्छ का जो रन है उसके अंदर विलुप्त हो जाती है। कहां कहां बहती है लूनी नदी? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की रन के अंदर ये मिल जाती है। बाड़मेर जो जिला है यहाँ पर बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद ये जल खारा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो कौन सी नदी है जो एक विशेष स्थान के बाद में खारी हो जाती है, उसका जल खारा हो जाता है? लूनी नदी। कहाँ पर? बालोतरा के बाद में। इसके बाद में इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? जोजरी, मांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुया। नाम सुनने के अंदर बहुत ही अजीब लग रहे होंगे लेकिन ये रियल में नाम है और इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं सहायक नदियों के तौर पे। लूनी नदी की सहायक नदियां है ये जोजरी है, बांडी है, जवाई है, मीठड़ी है, खारी है, सुकड़ी है, सागी है, गुया। आपको ध्यान रखना है ये काफी ऐसे है जो उपनाम भी होते हैं बच्चों के आपस में रखे हुए, तो उनके आधार पर भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, बांडी कोई बांडी हुए, कोई जवाई पावना आया, मीठड़ी मीठड़ी राजस्थान के अंदर नागौर के
नागौर जिले के अंदर मीठी जगह है जहाँ की चकिया प्रसिद्ध है। खारी मतलब खारा खारा लग रहा है भाई, सुगड़ी काटे सुगड़ी होगी, सागी सगाई होगी, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। याद रखने का तरीका है जो मैंने नॉर्मली आपको बताया है, लेकिन इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम के अंदर आपका कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके बन सकता है। इसके बाद में है माही नदी, काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। चंबल नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत ही है। माही नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत ही है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। कहां पर मिलती है? खंभात की खाड़ी में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्ट क्या है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा से दो बार गुजरती है? माही नदी है। ये राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। कौन कौन सी है? सोम और जाखम, सोमवार और जाखड़। इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। फिर है बाणगंगा। बाणगंगा नदी अभी मैंने बताया था इसके बारे में। ये जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की अपवाह क्षेत्र की नदियां हैं, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ी से होता है। बेराट नाम आते आपके माइंड में कुछ और क्लिक होना चाहिए, वो क्या हुआ आप कमेंट करके जरूर बताना। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाए अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, बाण गंगा को। बाण की गंगा भी है, अर्जुन की गंगा भी है, और भरतपुर के अंदर नम भूमि का निर्माण करने वाली गंगा भी है। आपको ध्यान रखना तीनों भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम में पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है घग्गर नदी, काफी इम्पोर्टेंट नदी है। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमालय प्रदेश के हिमाचल पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंगानगर में ही, यहाँ पर ये जो हनुमान, ये हमारा जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे ये प्रवेश करती है और यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद में इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना है कि प्राचीन काल के अंदर सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी इस घग्गर नदी को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको पूछ लिया जाए जो घग्गर नदी है ये प्राचीन कौन सी नदी का अवशेष माना जाता है, सरस्वती नदी का और या सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में अवशेष माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आप लोगों को पूछा है शॉर्ट वीडियो के अंदर, आप ध्यान रखना। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं इनसे क्या क्या उद्देश्य पूरे होते हैं, क्या क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला, इनपे नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, लाइट बिना कुछ नहीं है। अगर दो मिनट भी लाइट जाए और नेट चलेगी तो आदमी का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, क्या हम क्या करें, पागलों की तरह इधर उधर इतनी वॉकिंग करते हैं जितनी आज तक उसने नहीं की होगी। तो ये क्या है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई यानी कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, वृक्षारोपण के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बहुउद्देश्यीय परियोजना कहने के पीछे कारण क्या है कि इस एक नदी घाटी परियोजना के तहत एक बांध बनाने से कितने उद्देश्य पूरे हो रहे हैं हमारे, कम से कम 8-10 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, इसलिए इनको बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है? भारत के मंदिर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछा है, क्या पूछा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जेएलएन नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है।
क्या कहा गया है? आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? नदी घाटी परियोजनाओं को। किसे कहा है? नदी घाटी परियोजनाओं को। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आए भी है और आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है हमारे लिए चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है? परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में ज्वार सागर व कोटा बैराज बांध है। कौन कौन से है? 4 बांध। सबसे पहला बांध है आपका यहाँ पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, और कोटा जिले में ज्वार सागर और कोटा बैराज। कोटा जिले के अंदर 2 बांध बनाए गए हैं, कोटा ज्वार सागर और कोटा बैराज, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, और मध्य प्रदेश के अंदर है गांधी सागर बांध परियोजना जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट है, 4 बांध परियोजना के तहत 4 बांध कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। उसके बाद में इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। ये कॉमन बात है, कॉमन फैक्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे लिए माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना में क्या है? बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर माही नदी पर। यह परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अभी हमने जो पढ़ी चंबल परियोजना, वो कौन कौन 2 राज्यों के मध्य है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर परियोजना है, ये कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात दोनों के बीच में है। इनके परसेंटेज वगैरह वो सारे मैं करंट में अपडेट करूंगा आप लोगों के साथ। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई का सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है हमारी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, सरदार सरोवर जो परियोजना है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्य हैं जिनके मध्य इसकी संयुक्त ट्रीटी है या और इसका जो निर्माण है वो गुजरात के अंदर नर्मदा जो नदी है इसके ऊपर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर में जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा मिलती है। यानी कि जो सरदार सरोवर परियोजना है इसके तहत राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये वाला जो भाग है दक्षिणी पश्चिम वाला ये भाग, इस भाग के अंदर इससे नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा इसके द्वारा मिलती है, सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे लिए, अभी हम संक्षिप्त तौर पर जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं, बाकी फिर हम सारी परियोजनाओं की बिल्कुल गहन चर्चा करेंगे हमारी 8वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान राज्य के। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और कुछ परियोजनाएं हैं जो हमारे लिए जितना जानना जरूरी है वही मैंने लिखा है एक फेमिलाइज होने के लिए। राजस्थान राज्य के पाली जिले में जवाई नदी पर है जवाई परियोजना। अगर आपको पूछे जवाई परियोजना कहाँ पर है, जवाई नदी पर राजस्थान के पाली जिले में। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उसके बाद में यहाँ सोम कमला अम्बा परियोजना है, ये किसके ऊपर है और ये कौन सी एक बहुत ही इसके अंदर डूंगरपुर के अंदर आदिवासियों की बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र धाम है, वो कौन सी है जिसके ऊपर ये है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उदयपुर जिले में मानसी वाकल और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है, और फिर है बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर, जो टोंक के अंदर टोडा रायसिंह जो है उसके पास में बिसलपुर गाँव है, वहां पर ये बिसलपुर परियोजना है जिसे 4 जिलों के अंदर पेयजल की और सिंचाई की सुविधा है जो उपलब्ध होती है। ये थी हमारी कुछ परियोजनाएं जो इम्पोर्टेंट थी जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की प्रमुख जिले, यहाँ से हम शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख जिले। यहाँ पे भी हम वही जिलों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन उदयपुर को जिलों का नगर कहा जाता है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। यहाँ पर पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिले हैं। इसके बाद में जयसमंद झील है, उसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 स्थित गोमती नदी पर करवाया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी के द्वारा। कब करवाया गया? 1687 से 1691 ईस्वी के मध्य। किस नदी के ऊपर? गोमती नदी के ऊपर।
ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो केरिबा झील है, और उसके बाद में ये भी विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झीलों के अंदर शुमार है। अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आला सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, नक्की झील जो कहां पर है, माउंट आबू में है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। एग्जाम के अंदर पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। ये आपके किससे संबंधित रखती है आप ध्यान रखना, इसका मुझे आंसर बताना कमेंट करके, नहीं तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। जोधपुर जिले में बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर, जैसलमेर में गड्डीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीधी सेड आदि कई अन्य जिले भी हैं जो राज्य में काफी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखती है, और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे लिए, राजस्थान में खारे पानी की जिले, अगर आपको पूछे कि राजस्थान में खारे पानी की जिले कौन कौन सी है तो नाम हम देख लेते हैं। यहाँ पर जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य सांभर झील, सांभर झील है वो तीन जिलों के अंदर पड़ती है। कौन कौन से, नागौर, अजमेर और जयपुर, इन तीनों जिलों के मध्य के अंदर ये सांभर झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलोदी आदि ये क्या है, खारे पानी की महत्वपूर्ण जिले हैं। आपके एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफी बड़ी होगी लेकिन यहाँ पर हमने काफी सारे टॉपिक है वो कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप लगातार बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।